नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सूटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट है, काइंड ऑफ गुड न्यूज भी हो सकता है, क्योंकि आपका जो एग्जाम डेट था वो बदलने वाला है, ऐसी पॉसिबिलिटीज है। और इस पूरे न्यूज को हम लोग जानेंगे, और साथ ही साथ प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो पॉसिबिलिटीज मैं अपने एक्सपीरियंस बेसिस बताऊंगा उसको भी सुनना बेहद जरूरी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल समय चल रहा है, सो प्लीज बेल आइकन को प्रेस करके रखें, जिससे कि कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आता है तो मैं आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है, सो प्लीज अभी सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। अब चलिए देखते हैं कि क्या आर्टिकल आया हुआ है। ये न्यूज चैनल का है, आप सभी लोग जानते ही होंगे इस न्यूज चैनल को। इन्होंने लिखा है सीयूटी यूजी 2024 अब 15 मई से नहीं होगा सीयूटी यूजी। ठीक है, उसके बाद यूजीसी चेयरमैन ने बताया कब जारी होगा नया शेड्यूल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, पूरी बातों को समझाऊंगा, क्वेश्चन मार्क का बड़ा मीनिंग होता है। ठीक है, उसके बाद ये चीजें तो पुरानी है जो लिखी गई है, जो मेन मुद्दा है उसको हम लोग समझते हैं कि ऐसा क्यों होने वाला है। ठीक है, ऐसा क्यों होने वाला है, इस चीज को हमें समझना बहुत बेहद जरूरी है। यहाँ पे लिखा हुआ है सीयूटी यूजी की एग्जाम डेट्स बदलकर नया एग्जाम शेड्यूल जारी कर सकता है यूजीसी चेयरमैन जगदीश कुमार जी का ऐसा कहना है। यूजीसी के चेयरमैन जो है वो एम जगदीश कुमार जी है, और उनका कहना है कि 2024 में कुछ ही समय बाद, यानी लगभग 12 मार्च से सुनने में आ रहा है कि आपका आचार संहिता लग जाएगा, और उसके बाद नॉमिनेशन है, उसके बाद वोट पोलिंग है, उसके बाद रिजल्ट है, नए गवर्नमेंट का फॉर्मिंग है। तो कहने का मतलब ये है कि इसी बीच में आपके इस एग्जाम को कराना में भी पॉसिबल ना हो पाए तो ये डेट बदल सकता है, लेकिन कितना बदलेगा, कहां बदलेगा, कैसे बदलेगा, ये डिटेलिंग नहीं आई है। तो मेरी बात को समझ गए कि नहीं? कहने का मतलब ये है कि जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन आपके एग्जाम को पोस्टपोन किया जा सकता है, डेट को चेंज किया जा सकता है, आगे पीछे हो सकता है, लेकिन अभी हुआ नहीं है, बस ये पॉसिबिलिटी बताई जा रही है। और ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब ये लोग क्या करें, जो मैं आपको बता रहा था कि मेरा एक्सपीरियंस इसमें क्या है, तो मैं अपने अनुभव के आधार पे ये कह रहा हूं कि बच्चे जब ऐसे न्यूज सुनते हैं तो पहले तो पैनिक हो जाते हैं और रिलैक्स भी हो सकते हैं कि अरे यार लगता है अब चेंज ही हो जाएगा, अब थोड़ा आराम से पढ़ना चाहिए। सो प्लीज ऐसा मत करना, ये गवर्नमेंट है, ये सरकार है, कुछ भी कर सकती है ये अपने फायदे के लिए। लाइक अब देखो वोटिंग आए, इनको ज्यादा इंपॉर्टेंट है इलेक्शन कराना, भाई इलेक्शन टाइम से होना चाहिए, चलो अच्छी बात है, लेकिन इनकी जो सेपरेट कमेटी है वो ऐसे काम करनी चाहिए कि इलेक्शन अपना काम कर रही है और एजुकेशन अपना काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, खासकर हमारे देश में। तो यहाँ पे इलेक्शन आया तो दुनिया का हर काम बंद हो जाना चाहिए। तो फाइनली मे बी जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्शन, लोकसभा चुनाव, ये आपका एग्जाम में कहीं ना कहीं थोड़ा हस्तक्षेप करे, ज्यादा भी कर सकता है। तो आप लोगों को एकदम रिलैक्स नहीं होना है, ये नहीं कि एकदम चादर तान के सो जाओ, नहीं ऐसा नहीं करना है। आप अपनी खुली आंखों से अपना रिविजन, अपना प्रिपरेशन, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, टेस्ट जो भी लगा रहे हो लगाते रहो, प्रिपरेशन करते रहो। ठीक है, और हाँ, ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को फॉलो कर लेना, अगर चेंज होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। आपके पास समय ऐसे भी कम है, और ये बहुत ज्यादा पोस्टपोन तो नहीं करेंगे, खींचातानी करेंगे तो 5-10 दिन का ही करेंगे, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये काइंड ऑफ गुड न्यूज है, लेकिन आपके लिए उतना भी नहीं होना चाहिए जिससे कि आप अपनी प्रिपरेशन में थोड़ी भी ढील दे दो। आपको उतने ही रफ्तार, उतने ही तन्मयता, उतने ही सटीकता से अभी पढ़ाई करनी है जितने से आप करते आ रहे हैं। तो ठीक है, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो प्लीज आप व्हाट्सएप करके कोर्स की इंक्वायरी लो, और क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो बहुत ही कम फी में। ठीक है, मुस्कुराना बिल्कुल ना बोले, और हाँ कॉमेंट करके बताएं कि ये न्यूज आपके लिए कितना हेल्पफुल है, मतलब लाइक आप इसको सुनने के बाद कैसा महसूस कर रहे हो, प्लीज मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द से जल्द जो हमारे एम जगदीश कुमार जी हैं, जो चेयरमैन है यूजीसी के, जो ये पूरा रूल रेगुलेशन तय कर रहे हैं, प्लीज वो इस पे जल्द से जल्द निष्कर्ष दे, जिससे कि बच्चा भी एकदम रिलैक्स हो सके फाइनली कि चलो भाई 10 दिन एक्स्ट्रा मिल गया, या अरे भाई 10 दिन तो ले लिया हमारा इन लोग, तो ये चीजें भी होनी चाहिए। सो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस डिस्क्रिप्शन में ट्विटर पे भी एक लिंक है, उसको भी आप लोग जाकर रिट्वीट मारो कि इनको पता चले कि वी आर वांट लेटेस्ट अपडेट एंड फर्दर अपडेट आफ्टर दिस न्यूज। सो प्लीज सब्सक्राइब करें और उसको जाके आप लोग रिट्वीट मारें। ठीक है, मुस्कुराते रहे, हर हर महादेव।